हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और जैसा लास्ट वेनसडे हम लोग का गया, शांत गया, क्योंकि लास्ट वेनसडे संकष्टी था, तो बिल्कुल भी नॉनवेज हमारे घर में बना नहीं। तो वी वर वेटिंग कि कभी फ्राइडे आएगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, चार दिन वेज खाना पड़ा। तो निशु वाज लाइक कब फ्राइडे आएगा और फ्राइडे खाने मिलेगा। एंड दिस टाइम माई मदर इज ऑल्सो हियर, तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि कभी कोई एक्स्ट्रा मेंबर आएगा ना, तो हम लोग करली लाएंगे, बिकॉज सिर्फ करली मैं और मम्मी खाते, तो इतना बड़ा करली ला के कोई मतलब नहीं उसको रख के। तो वी वर लाइक कि कोई और मेंबर आ जाएगा ना जो करली खाता हो, तो हम लोग बड़ा सा अच्छा करली लाएंगे। तो आज हम लोग फाइनली फ्राइडे का वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरी मम्मी भी है, तो अभी हम लोग तीन जन मिल के हो गए। और निशु ऑल्सो गॉट रेडी कि वो भी करली खाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा है, उसमें काटा भी कम है। तो हम लोग स्पेशली करली लाने के लिए ईस्ट वाले स्टेशन के पास जो मार्केट है ना, वहाँ गए थे, क्योंकि जो मार्केट में मैं यूजुअली जाती हूँ वहाँ पे आज करली अवेलेबल ही नहीं था। बट वी वर लाइक कि आज करली ही खाना है, तो कहीं पे भी ढूंढना पड़े हम लोग जाएंगे। तो निशु मुझे लेकर गए थे एक्टिवा पे, तो वही मुझे ईस्ट पे लेके गए, और वहाँ से हम लोग ने पूरा फर्स्ट टाइम में गई थी विरार ईस्ट फिश मार्केट जो स्टेशन के पास है, और बहुत बड़ा मार्केट है, जो भाइंडर का मार्केट है ना, आई थिंक उसका डबल साइज़ में है। और बहुत वैरायटी था, बहुत ऑप्शन था, बड़े बड़े टाइगर प्रॉन्स वगैरह भी थे, तो हम लोग ने देख के रख दिया, इन फ्यूचर कभी ले लेंगे। आज के लिए तो हम लोग अभी ये प्रॉन्स करी बनाने रखा है, जिसमें मस्त कैरी, बटाटा और बैंगन और ये सिंग जिसको बॉईल करके रखा, ये भी डालूंगी, तो मस्त खट्टा तीखा रसा बन रहा है। और हम लोग करली लेकर आए, मैं पहले आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखा पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो ये देखिए, करली को कट करके ही लेकर आए, तो मम्मा ने क्लीन करके इसको अच्छे से मसाला लगा के रख दिया है, और बहुत बड़ा करली मिला हमको। एंड दिस इज प्रॉन्स मसाला फ्राई, तो उसका मसाला लगा के रख दिया है। और वहाँ पे इतना बड़ा करली था कि शी वाज़ सेइंग 800 रुपीज़, तो मैंने कहा 800 तो बिल्कुल भी नहीं मैं देने वाली, तो कम करते करते फाइनली 600 पे आ गई, 550 पे आ गई, फिर मैंने फाइनली 500 में डन कर दिया। एंड मम्मा वॉज लाइक, तूने बहुत अच्छे प्राइस में उसको लाया, क्योंकि 500 में इतना बड़ा करली और इतना फ्रेश, एकदम रेड, उसका जो आप क्या बोलते हैं, विंग तोंड उगड़ते थे जिकड़ अपन चेक कर दल का है मंडल, कला जो जिसमें आप देखते हैं ना, ऐसे मच्छी को ओपन करके कि फ्रेश है या नहीं है, तो वो जैसे मैंने ओपन किया तो मस्त रेड कलर का था, नाइस रेड कलर, तो इतना फ्रेश मम्मी वॉज लेके एकदम अच्छा मिला है। 500 में तो इतना बड़ा मिलता नहीं और इतना फ्रेश भी नहीं मिलता है, तो आई थिंक आई डिड अ गुड डील। तो अभी यहाँ पे सब तैयारी चल रही है, मैंने रोटी के लिए भी आटा करके रख दिया, डो बना के रख दिया है, अभी बस चपाती बनाऊँगी, कुकर लगाऊँगी और फिर फिश फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। और ये रही मम्मी फिश फ्राई करके, अभी मम्मी जाएगी नहाने के लिए, उसके बाद मम्मी करेगी पूजा, बिकॉज मम्मी को नहा के फिर फिश को हाथ लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो वो वेट करती कि मैं मार्केट से आऊँ, उसके बाद मम्मी पूरा क्लीनिंग करे, मसाला लगाए, एंड देन शी गोज फॉर हर बाथ, एंड देन शी डस पूजा। तो अभी मम्मी जाएगी नहाने के लिए, फ्रेश होगी। एंड सानू अभी तक फ्रेश नहीं हुई, ऐसी ही बैठी है, ये रही सानू, गुड मॉर्निंग, उसको अभी सिर्फ टाइम पास ही टाइम पास करना हो। ये रही मम्मी, मम्मी भी वाईफाई पे वीडियोस देख रही है, डैडी आराम कर रहे हैं, निशु आराम कर रहे हैं, और निशु ने आज मम्मी को मदद किया फिश क्लीनिंग करने में। और हम लोग शाम को ना जाने वाले हैं परू का इयररिंग्स चेंज करने के लिए, जो मम्मी डैडी ने उसको बर्थडे गिफ्ट दिया है, तो अभी उसको वो जूना वाला निकाल के नया डालना है, तो हम लोग सोच रहे हैं शाम को जाएंगे और परू का इयररिंग भी चेंज करा के आएंगे, क्योंकि अभी थोड़े दिन ही बच गए उसके बर्थडे के लिए, तो वी हैव टू डू दिस। एंड यस, डे हैज स्टार्टेड और बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है आज फिश खाने के लिए, है ना उमा, करली खाने के लिए, क्योंकि मम्मी को भी करली बहुत पसंद है, और हम लोग भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कोई हम लोग को एक्स्ट्रा पार्टनर ज्वाइन हो जाए, तो हम लोग करली लेकर आए, तो आज बहुत एक्साइटमेंट हो रही है करली खाने के लिए। परू को तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ कान का जो कट करेंगे और दूसरा नया कान का डाल के देंगे बस, लेकिन लेट्स सी, फिंगर्स ऑफ क्रॉस कि वो कितना कोऑपरेट करती है। अभी निशु और परी गए स्कूटी लाने के लिए, और मैं इसलिए का कपड़ा दे रही हूँ, उसके बाद मैं उन लोग को ज्वाइन करूँगी, तो लेट सी, पता नहीं, उसके लिए थोड़ा चॉकलेट वगैरह लिया है, इनकेस अगर वो रोएगी तो उसको देने के लिए।
तानो एकदम गुड गर्ल है, बिल्कुल भी रोई नहीं, थोड़ा सा हिल रही थी यहाँ से वहाँ, बट उसके बाद वो स्टेबल हो गई थोड़ा समझाने के बाद। तो हम लोग ने यहाँ से अभी उसका ईयरिंग चेंज करा लिया, शी इज रियली लुकिंग वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा दिख रहा है उसके ऊपर, ऐसा उठ के दिख रहा है। तो नाउ वी हैव टू गो, हम लोग को डिस्पोजेबल भी लेना है क्योंकि बर्थडे पे जो भी गेस्ट आएंगे, जो भी 20-25 लोग घर में आएंगे, तो रात को डिनर करने के लिए डिस्पोजेबल प्लेट ग्लास वगैरह चाहिए, बिस्लेरी का पानी चाहिए। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वो देखेंगे, और थोड़ा बर्थडे का कुछ सामान लेना है, वो सब लेने जा रहे हैं। तो लेट्स गो। हम लोग मार्केट से तो वापस आ गए, अभी मैं आपको सानू का फ्रॉक तो अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि दैट इज़ अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर द बर्थडे व्लॉग, तो वो तो आपको बर्थडे के दिन ही देखने मिलेगा। बट मैंने उसके लिए ये हेयर बैंड ले लिया, क्यूट सा उसके फ्रॉक को मैच होता हुआ, एंड दिस इज़ अ नाइस फ्लेक्सिबल, जल्दी टूटेगा भी नहीं, इसलिए मैंने ये वाला ही लिया। और परी को ये नाइस सॉफ्ट वाला पसंद है, इसलिए उसने ही अपने चॉइस से येलो कलर ले लिया। तो ये एक चीज़ आई थोड़ा शेयर, तो ये हो गया। और हम लोग सानू के लिए इतना बड़ा कैडबरी लेकर आए, अब मैं आपको बता देती क्यों लेकर आए, क्योंकि सानू का रिजल्ट आ चुका है, उसका ओपन हाउस था, और सानू ने जो फर्स्ट टर्म में रैंकिंग किया था वो बी और बी प्लस आया था उसको मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में, बट इस बार उसके सेकंड टर्म में उसको सब इसमें ए ए ए ए ही मिला है। लास्ट टाइम उसको बी और बी प्लस मिला था, इस टाइम उसको सब में ए ए ही मिला है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि फर्स्ट टर्म से सानू ने सेकेंड टर्म में बहुत बेटर प्रोग्रेस किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, मेहनत किया, और उसका ये रिजल्ट था जो हम लोग लेने गए थे कल सुबह। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ हर परफॉर्मेंस, जो भी जैसा भी उसने ऑनलाइन स्टडी करके किया। सो इसकी खुशी में हम लोग ने सानू के लिए कैडबरी लाया है सेलिब्रेशन। अभी हम लोग रात को आराम से बैठ के इसको खाएंगे, ओपन करेंगे, सानू के साथ एंजॉय करेंगे। और अभी मैं वाटरमेलन लेकर आई हूँ, इतना बड़ा अखा मस्त रेड कलर का, तो अभी मैं मस्त उसका जूस बनाने वाली हूँ, अब क्योंकि गर्मी है तो थोड़ा मस्त आइस डाल के मस्त वाटरमेलन जूस पियेंगे। तो चलिए चलते किचन में और बनाती हूँ मस्त फ्रेश वाटरमेलन जूस। कल सानू का रिजल्ट के खुशी में सानू ने खुद बोला था मम्मी घर में फालूदा बनाना, तो हम लोग रेडीमेड फालूदा पैकेट लेकर आए थे जो सिर्फ गर्म दूध में मिक्स करके बनाना था, और घर में वैनिला आइसक्रीम तो था, तो हम लोग ने मस्त कल रात को फालूदा एंजॉय किया। और अभी उसको वाटरमेलन जूस पीना था, तो इसलिए मैं देखी कितना रेड वाटरमेलन है और बहुत मीठा है, तो मुझे शक्कर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें मैं आइस डालूंगी, हल्का सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के इसका मस्त जूस बना लेती हूँ अभी। और निशु ने मुझे ज्वाइन कर लिया है वाटरमेलन जूस बनाने के लिए, क्योंकि मोस्टली हमारे घर में कभी भी ऐसा बड़ा फ्रूट कट करना हो ना तो मम्मी करती है या तो फिर निशु करते हैं, तो मैंने ज़रा सा कट किया और फिर निशु आ गए फ्रेश होके। तो नाउ निशु इज़ गोइंग टू डू, तो अभी उनको चॉपिंग बोर्ड लगेगा, बड़ा नाइफ लगेगा, जो चॉपिंग नाइफ आता है ना हमारे घर में, ये वाला नाइफ जो है ना ये सिर्फ निशु यूज़ करते हैं, हम लोग कोई नहीं, ये स्पेशली होटल इंडस्ट्री में बड़ा वाला जो नाइफ यूज़ करते हैं ना वो, तो कभी भी कुछ काटना हो तो निशु को यही नाइफ लगता है, उनको छोटा नाइफ बिल्कुल भी जमता नहीं है, उनको चॉपिंग बोर्ड चाहिए, तो सब कुछ देना पड़ता है। अगर निशु आ गए ना किचन में तो आई हैव टू गिव एवरीथिंग टू हिम, बट उतना मेरी मदद भी हो जाती है, ईजी भी हो जाता है, तो चलता है ना निशु? नो वर्ड्स, कुछ बोलना है? वाटरमेलन जूस, फ्रेश ठंडा ठंडा वाटरमेलन जूस। निशु को फ्रूट ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैंने उनको कन्विंस किया कि एटलीस्ट जूस तो पी लो, अगर फ्रूट खाना नहीं है तो मैं तो रेडी बना के दे रही हूँ, उसे पीना है, तो वो कन्विंस हो गए कि ठीक है मैं पी लेता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बनाया था तो निशु ने नहीं पिया था। निशु को सिर्फ फिश चाहिए, अंडा चाहिए, बस नॉन वेज चाहिए, नॉन वेज, वेज में उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अभी कितने बार बोल चुकी है बोल बोल के है ना। टाइम टू टेस्ट द वाटरमेलन जूस, एकदम चिल्ड मस्त बना है, मस्त चिल्ड, एकदम ठंडा ठंडा मस्त फ्रेश बना है, होम मेड वाटरमेलन जूस। और सुबह का भी जो कर ली हम लोग लेकर आए थे, इतना फ्रेश फिश था और इतने अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गया, मसाला भी इतने अच्छे से उसको लग गया था,
बहुत मस्त एंजॉय किया हम लोग ने वो फिश आज इतने टाइम के बाद. वी रियली एंजॉय, बहुत अच्छा फ्रेश था एकदम. सो वर्थ व्हाट वी पेड फॉर इट एकदम. अभी मैंने सुबह हाफ फ्राई कर दिया था, अभी शाम के लिए मैंने वापस आधा निकाल के रखा था कि रात को जब खाना खाना होगा तो उसके पहले मैं निकाल के फ्रेश ही उसको फ्राई करूँगी. कि फ्रेश फ्राई करने के बाद जो खाते ना वो टेस्ट अलग होता है सुबह का बना के, जो रात को आप गर्म करके खाते हो उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है. आई एम श्योर आप लोगों को भी पता होगा. तो अभी मैं फ्रिज से निकालूंगी और आराम से 8-8:15 बजे उसको फ्राई करना स्टार्ट कर दूँगी. गर्मा गर्म भाकरी मम्मी बना रही है और ये रहा मच्छी फ्राई. इतना ही बच गया था तो अभी सबको एक एक पीस आ जाएगा और मस्त क्रिस्पी फ्राई हो रहा है. गरम गरम खाने बैठेंगे और यहाँ पे मैंने रस्सा भी गरम करने के लिए रख दिया है. हमारा तो डिनर करके हो गया, नाउ इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन. तो अभी हम लोग कुछ मीठा खाएंगे, कुछ तो मीठा हो जाए. तो वी आर गोइंग टू एन्जॉय दिस कैडबरी और इस पर लिखा भी है देखिए फैमिली पैक. तो पूरा फैमिली एक साथ मिल के एक साथ बैठ के मीठा खाएगा, सानू का स्कोर एन्जॉय करेगा, रिपोर्ट कार्ड जो उसने इतना अच्छा स्कोर किया है. एंड आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो. आज का वीडियो यहीं पर एंड करते. अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया तो एज ऑलवेज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड आई सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट.